दिनानी। वेलकमिंग यू टू मैग्नेट एंड हम पढ़ रहे हैं अपनी डिस्कस कर चुके हैं द लॉस्ट चाइल्ड एंड नाउ वी नीड टू डिस्कस दैप्टर विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अम्यूजिंग स्टोरी दैप्टर नेम इज द एडवेंचर एंड इट्स रिटन बाय अ वेरी फेमस राइटर हु इज रस्किन बॉर्न तो ये चैप्टर जैसे कि इमेज देख सकते हो हम बात करने वाले हैं अबाउट अ मंकी जो कि है एक बेबी मंकी एक छोटा सा मंकी है और इसको एक पेट की तरह रखने वाले हैं कौन नरेटर के ग्रैंडफादर तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है वहाँ हमें ये सब पता चलने वाला है कि कैसे एक टोंगा ड्राइवर से नरेटर के जो ग्रैंड हैं वो इस पेट मंकी को खरीदते हैं और इस बेबी मंकी को वो एज अ पेट रखते हैं और उसे जो है डिफरेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं या फिर क्या होता है वो सब कुछ तो हम स्टोरी में देखेंगे अदरवाइज सस्पेंस खराब हो जाएगा बट एट दी एंड कुछ ऐसा होता है कि इनके ग्रैंडफादर को वापस उस टोंगा ड्राइवर को इस मंकी को लौटाना पड़ता है नाउ वॉट एक्चुअली हैपन दैट इज समथिंग वील गेट टू नो एट दी एंड ऑफ द स्टोरी अब यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम टोटो के बारे में जो बहुत ही बड़ा क्यूट नेम है एज द मंकी ऑल्सो लुक्स वेरी क्यूट तो इसी तरीके से यू you नो know, ये सिर्फ क्यूट दिखने में है बाकी ही इज वेरी मिस्चीवियस बहुत ज्यादा मस्तिक हो रही है और ये बहुत सी ऐसी चीजें करेगा जिसकी वजह से हमें ये पॉइंट समझ आने वाला है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं दे आर मेंट टू स्टे इन देयर नेचुरल हैबिटाट यानी कि हम क्या करते हैं ना हम इन एनिमल्स को जूस में रख देते हैं हम या फिर इनको पेट बनाने की कोशिश करते हैं भाई आजकल तो वाइल्ड एनिमल्स को भी लोग पेट बना के रखते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती ना क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स हैं इनकी जो आदतें हैं जो नेचुरल इनकी ट्रेट्स हैं वो तो यही है कि ये अपने नेचुरल हैबिटाट में फॉरेस्ट में जंगल में उसी तरीके से रहना चाहता है और घर में उस तरीके की कंडीशन प्रोवाइड करना इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो ऐसे बहुत से लोग होते हैं हु कैन डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दीज पेट्स इन अ वेरी नाइस मैनर सो दैट द पेट इज ऑल्सो हैप्पी एंड द ओनर इज ऑल्सो हैप्पी बट ये कब होता है जब उनके पास प्रॉपर नॉलेज हो प्रॉपर स्किल्स हो कि किस तरीके से एक वाइल्ड एनिमल को ट्रीट किया जाता है बट अगर जो भी पर्सन ऐसे एनिमल्स को किसी भी एनिमल को चलिए वो डोमेस्टिक एनिमल्स ही क्यों ना हो वो कैट डॉग ही क्यों ना हो हर एक एनिमल को प्रॉपरली ट्रीट करने का एक तरीका होता है देर इज अ प्रॉपर नॉलेज रिक्वायर्ड जिससे आपको हर एक एनिमल की केयर करनी होती है फॉर एग्जाम्पल जब आप टेंथ में जाओगे तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे जहां पर एक डॉग की बात होने वाली है जिसको यू you नो know, जिसकी ओनर जो थी वो उसको इतना प्यार करती हैं इतना प्यार करती हैं कि उसको बहुत ज़्यादा खिला देती हैं और उसकी वजह से वो बहुत मोटा हो जाता है एंड लेज़ी हो जाता है और उसका राइट टाइम पे अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो वो अपनी लाइफ भी लूज़ कर सकता था सो दिस इज़ हाउ हमें यहाँ पे ये चीज़ सिखाई जाती है नो इन चैप्टर्स के थ्रू कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है आपके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है किसी एनिमल की केयर करने की सो so डेफ़िनेटली आपको फिर उसको एज अ पेट रखने का आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए

एंड सी जस्ट वन लाइन की हम पढ़ने के हवाले हैं इस चैप्टर में फाइनली सी द बिफोर यू रीड पार्ट एंड वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर क्लियर ऑल राइट सो ना एज वी नो की ऑथर कौन है भाई? Bond, जिसका नाम आई गेस बहुत से लोगों ने सुना होगा बिकॉज ही इज अ वेरी फेमस वेरी फेमस राइटर और इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो बहुत ज्यादा वेल नोन होती हैं स्पेसिफिकली बच्चों को बड़ी पसंद आती है बिकॉज इनका अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये बहुत ज्यादा पिक्चराइज करते हैं चीजों को और फिर उसको वर्ड्स के फॉर्म में हमें देते हैं क्लियर So Ruskin Bond was born on 19th May 1934. He is an Indian author of British descent. तो ये जो हैं, हैं तो एक इंडियन ऑथर बट एक ब्रिटिश डिसेंट को बिलोंग करते हैं मोस्ट ऑफ हिज वर्क आर इंफ्लुएंस बाई लाइफ इन दिल स्टेशन एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बहुत सारी इनकी जो स्टोरीज हैं वो ज्यादातर तो किससे इंस्पायर्ड हैं या किस पे बेस्ड हैं? ऑन हिल स्टेशन जो कि कहाँ पर हैं हिमालया में क्यों क्योंकि ये वहीं पर रहते थे ज्यादातर इन्होंने अपना चाइल्डहुड जो है बचपना जो है वो वहीं बिताया है सो so, इनकी ज्यादातर स्टोरीज उन्हीं चीजों पे बेस्ड हैं ही कंसिडर्स हिमसेल्फ विजुअल राइटर और ये अपने आप को एक विजुअल राइटर की तरह क्रिएट करते हैं क्यों विजुअल का मतलब कि पहले आप एक इमेज फॉर्म कर पाओ आपके सामने एक stories, like और ये बहुत अच्छी स्किल है कि आप पूरी स्टोरी जो सोच रहे हो उसको एक पिक्चर की तरह आप देखो अपने सामने कि ऐसा हो रहा है ये हीरोइन hero है ये मेन कैरेक्टर्स हैं फिर इस तरीके से कुछ होगा फिर है ना एंड क्या होने वाला है तो इस तरीके से एक जब फॉर्म होती है ना एक राइटर के दिमाग में तो स्टोरी फिर हमारे दिमाग में भी, भी तो हमसे हम, you know, पाएंगे जैसे अगर आप ये स्टोरी भी तो आपको ये सब दिखेंगी कि हाँ भी, हमारे पास शायदी है और इस तरीके की चीजें हो रही है तो ये अपने आपको एक विजुअल राइटर इसीलिए ही कंसिडर करते हैं दैट कैन बी सी इन स्टोरी इज ऑल्सो वेरी वेल दैट फर्स्ट ही विजुअलाइजेज फर्स्ट ही पिक्चराइजेज दी होल स्टोरी इन इज माइंड एंड दे जिस ब्रिंग story into the form of words clear so this was a brief description description or the introduction of the author that is ruskin bond now let's read what exactly hum story mein padhne wale hain so the adventures of toto is a humorous story of a monkey named Toto. तो so ये title का ही एक sort of बोल सकते हो जो justification है वो दे देता है कि Toto कौन है वो है एक baby मंकी ठीक है और इस बेबी मंकी के एडवेंचर्स के बारे में बात हो रही है कि वो जो भी मस्तियाँ करने वाला है जो भी मिस्टीवियस हरकतें करेगा तो वो सारी चीज़ें ही हम देखने वाले हैं इसीलिए ये टाइटल बहुत एप्ट है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो क्लियर ऑल राइट

नाउ टोटो इज अ बेबी मंकी तो हम जिसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो कौन है टोटो और वो कौन है एक बेबी मंकी एक छोटा सा बंदर है

ग्रैंड ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ फाइव रुपीज तो यहाँ पे ये जो भी नरेटर है ना वो बता रहे हैं अपनी ग्रैंडफादर की स्टोरी कि ये जो है उनके जो ग्रैंडफादर हैं नरेटर के वो उन्होंने क्या किया उन्होंने टोंगा ड्राइवर से यानी कि एक जो यू नो हॉर्स राइडिंग होती है जो टोंगा आपने देखा भी होगा टांगे वाला बोलते हो जिसको आप हिंदी में तो उससे हॉर्स कार्ट वाले से उन्होंने क्या लिया था एक बेबी मंकी जो कि है टोटो और कितने रुपए के लिए पांच रुपए के लिए ध्यान में रखना बिकॉज एट दी एंड भी आपको एक सम पता पता चलेगा क्लियर सो फॉर फाइव रूपीज ही बॉट दिस मंकी हु इज ने एज टोटो The Tonga driver, that is the horse cart driver, used to keep the little red monkey tied to a feeding trough. And the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब यहां ऐसा क्या होता है वॉट मेड द ग्रादर ऑफ द नरेटर टू बाय अ मंकी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक प्राइवेट जू था जहां पे वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को रखते थे तो जब उन्होंने देखा कि ये जो टोंगा ड्राइवर है जो हॉर्स ड्राइवर है वो क्या करता था वो इस मंकी को जो कि लिटिल रेड कलर का मंकी है जिसका नाम है टोटो तो उसे वो बांध के रखता था टू अ फीडिंग ट्रफ फीडिंग ट्रफ का मतलब होता है अ लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग एनिमल्स ऐसे कंटेनर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ यू you नो know, खाने का सामान रखा होता है और उसमें से एनिमल्स खाते हैं आपने कई जगह देखा होगा कि लोग अपने घरों के बाहर ऐसे बनवाते हैं यू you नो know, प्रॉपर सीमेंटेड जिसमें वो वो पानी भर देते देते हैं हैं वन वन साइड साइड थोड़ा बहुत खाना डाल जिससे आते जाते हैं जैसे काउज हो गई यू you नो know, कोई भी और एनिमल हो गया वो डेफिनेटली वहां से खाना खा सकते हैं सिमिलरली स्टेबल्स में भी अगर आपने मूवी वगैरह में देखा हो या कभी गए हो आप हॉर्स राइडिंग के लिए तो स्टेबल्स में भी क्या होता है ऐसे ट्रफ बने होते हैं और वहां पर खाना रखा होता है जो कि हॉर्सेस आके खाते हैं क्लियर तो ये एक फीडिंग ट्रफ से उसको बांध के रखते थे सो ग्रैंड फादर को लगता था कि ये जो मंकी है वो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा है यानी उसका यहाँ पे काम ही क्या है कैसे वो एक बुलेट काट के यहाँ एक फीडिंग ट्रफ से बंधा हुआ है और ये चीज अगर हम भी इमेजिन करें तो मंकी की राइट प्लेस यहाँ नहीं होती वो तो ट्रीज वगैरह में मिलता है राइट तो इस तरीके से जो नरेटर के ग्रैंड है उनको भी लगा कि ये सही जगह नहीं है टोटो के लिए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस लिटिल फेलो को इस छोटे से मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखेंगे क्लियर ऑल राइट टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी और टोटो कैसा था बहुत ही क्यूट सा बिल्कुल ब्यूटीफुल सा मंकी था जैसे बिगनिंग में हमने देखा ना इंट्रोडक्शन वाली स्लाइड में कि जो मंकी का फोटोग्राफ है वैसा ही बिल्कुल क्यूट लुकिंग सा ये मंकी है

तो उसकी जो ब्राइट आईज हैं जो मंकी की आईज है बहुत स्पाकली सी हैं बिल्कुल ऐसे चमकती हुई आंखें उसकी और जिसमें दिख जाता है कि उसके जो आईब्राउस हैं डीप सेट आई उसके पीछे एक मिसचीव छुपी हुई है कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ शैतानी चल रही है तो वो मिसीव जो है वो उसके बिल्कुल आईब्राउज के पीछे दिख जाती है एंड हिज टीथ और उसके जो दांत हैं वो कैसे हैं बिल्कुल पर्ली वाइट बिल्कुल पर्ल मोती की जैसे सफेद हैं और जब वो कभी कभी हंसता है तभी उसके ऐसे दांत दिखते हैं और उस स्माइल से उस दांत को देखकर कोई भी जो एंग्लो इंडियन लेडी होती थी एंग्लो इंडियन का मतलब होता है पर्सन रिलेटिंग टू तो बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया तो ब्रिटेन और इंडिया दोनों को ही बिलोंग करते हुए जो लेडी है उनकी बात कर रहे हैं जैसे कि रस्किन बॉन्ड की बात की गई है ना इंडियन है बट ब्रिटेन डिसेंट है तो वैसे ही ये जो लेडीज थी एंग्लो इंडियन लेडीज वो जब भी इस टोटो को हंसते हुए देखती थी तो उसके दांत देखकर ये डर जाती थी बट हेज हैंड लुक्ड इन द सन फॉर मेनी इट जो मंकी है जो टोटो है उसके हाथ थोड़े ड्राई दिखते थे ऐसे दिखते थे जैसे कि उन्होंने अगर आपको पता हो हमारी दादी नानी जब अचार बनाती है या मदर्स भी अचार बनाती है तो उसको धूप में रख देती है राइट तो वैसे ही यहां पिकल्ड बोला है पिकल का मतलब क्या होता है अचार सो पिकल्ड मीन्स फूड दैट इज प्रिजर्व इन विनेगर ठीक है तो इसको सनलाइट में रख दिया जाता है धूप में रख दिया जाता है ताकि वो प्रॉपरली बने तो ऐसा लगता था कि इसके जो हाथ हैं उनको भी बहुत सालों तक सन के नीचे रखा गया हो सनलाइट में रखा गया हो जैसे कि एक अचार को रखते हैं तो उस तरीके से उसके हाथ जो है वो ड्राई हो चुके थे सो दिस इज द कंप्लीट अपियरेंस ऑफ टोटो कि वो बहुत प्रिटी है दिखने में बहुत क्यूट है दूसरी बात उसके जो आईज हैं वो बहुत ब्राइट हैं स्पार्कली चमकदार आंखें हैं उसके आई ब्राउस के पीछे से लगता है बहुत छुपी हुई है also, उसके जो टीथ हैं वो पर्ल की तरह वाइट हैं एंड उसकी स्माइल देखकर कोई भी एंग्लो इंडियन लेडी जो है वो डर जाती थी ऑल्सो उसके हाथ ऐसे लगते हैं जो कि थोड़े ड्राई हैं जैसे कि बहुत सालों तक उसको उसके धूप के नीचे उसके हाथों को रखा गया हो क्लियर सो दिस इज द कंप्लीट अपियरेंस ऑफ टोटो दैट वी आर रीडिंग अबाउट क्लियर ऑल राइट हाथ भले ही ड्राई थे पर उसकी जो उंगलियां हैं जो फिंगर्स है वो बहुत क्विक और विकेट थी विकेट का मतलब होता है मिसचिवियस यानी कि बहुत मस्तिक हो रहे हैं उसके हाथ कुछ ना कुछ वो करता ही रहता था अपने हाथों से एंड हिज टेल वि ग्रैंड फादर बिलीव वु एनी वुड लुक्स ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड और हमें पता है ना मंकी को आपने देखा होगा कि वो जब एक ट्री से दूसरी ट्री एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जंप करते हैं तो अपनी टेल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं टेल से वो चीजें भी पकड़ लेते हैं आपने बहुत देखा होगा कार्टून वगैरह हम देखते हैं मूवीज देखते हैं एनिमेटेड तो उसमें बहुत दिखाया जाता है कि मंकी अपनी टेल को यूज करके चीजों को पकड़ लेता है बहुत अच्छी पकड़ होती है उसकी टेल से तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि उसके फिंगर्स जो है बहुत क्विक और बहुत ज्यादा स्मार्ट था बहुत मिस्चीवियस था टोटो और उसकी जो टेल है वो उसके अच्छे लुक्स में एक एडिशन थी यानी कि उसके लुक्स और ज्यादा अच्छे लगते थे

He He could could use 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 it 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 to to hang hang from from a a branch. branch branch Very, very common tail and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. और कुछ भी खाने का सामान हो और वो उसको लगता है कि उसके हाथ से वो नहीं पकड़ सकता तो वो क्या करता था अपनी tail की help से यानी कि lift. वो अपनी टेल की मदद से उस खाने को उठा लेता था तो अपनी टेल का वो एक थर्ड हैंड की तरह यूज करता था और बहुत मिस्टीरियस था वो कि भाई हाथ से पकड़ में नहीं आ रही है चीज तो टेल से पकड़ लेता हूँ सो दिस इज हाउस का जो टेल है दैट यूज टू वर्क एज अ थर्ड हैंड बिकॉज विद द हेल्प ऑफ हिस टेल ही कुड नॉट ओनली हैंग फ्रॉम अ ब्रांच बट ही कुड इजीली लिफ्ट अप और स्कूप अप एनी डेलिकेसी दैट वॉज आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड्स क्लियर ऑल राइट Grandmother always ऑलवेज फर्स्ट grandfather brought home some new bird बर्ड और एनिमल हमें बताया ना कि इनके जो ग्रैंड फादर है नरेटर के उनका एक प्राइवेट जू है तो वो आए दिन कोई ना कोई बर्ड कोई ना कोई एनिमल लेके आते थे और इस चीज से इनकी जो वाइफ है यानी ग्रैंड मदर है जो नरेटर की वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती थी अनॉय होती थी शीज टू गेट अनॉयड और फर्स्ट अबाउट की क्यों बार बार ले आते हो नो किसी भी बर्ड या एनिमल को

टोटो को क्योंकि वो इधर उधर भागता तो क्या होता ग्रैंड मदर को भी पता चल जाता और हमें नहीं पता यानी इनको नहीं पता था कि टोटो का क्या यू नो रिएक्शन होगा या वो कुछ भी कर सकता है सो दैट्स वाई ही जस्ट केप्ट यू नो बाउंडेड टू अ अ वॉल क्लियर फ्यू लेटर

We found that walls, कि जो दीवारें थी जिससे रखा था विच हैड बीन कवर्ड विमेंटल पेपर ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव जो आजकल भी देखते हो कि वॉल्स को बड़ा पेपर्स के साथ डेकोरेट किया जाता है डिफरेंट पेपर आते हैं वॉल पेपर आते हैं जिन्हें यू you नो know, उस पे लगा दिया जाता है वॉल पे सॉर्ट ऑफ sort of एक क्लियर यू नो एक डेकोरेशन के उससे फॉर्म्स से या फिर थोड़ा ज्यादा ब्यूटी बढ़ाने के लिए रूम की और जो ब्रिक्स जो वॉल्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये वॉल पेपर्स लगाए जाते हैं तो सेम चीज ग्रैंडफादर ने भी एक ऑनमेंटल पेपर एक डेकोरेटिव पेपर को चूज किया था और उसे इस पूरे वॉल पे लगाया था तो टोटो को जहां बांधा गया था ना वहां पे क्या देखा कि वहां पर सिर्फ कुछ ब्रिक्स और प्लास्टर दिख रहे थे यानी वॉल पे बाकी जगह पे तो वॉलपेपर लगा हुआ था बट जहां से वॉलपेपर यू you नो know, टीयर हो चुका था फाड़ दिया था टोटो ने वहां पर क्या था सिर्फ ब्रिक्स और प्लास्टर दिख रहे थे सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम और पर्टिकुलर वॉल जहां पे टोटो को बांध के रखा गया था क्लियर ऑल राइट The peg in the wall had been wrenched from its socket. क्योंकि जो हुक लगा हुआ था ना वॉल पे विच ब्रोकन टूट गया था फ्रॉम इट सॉकेट यानी अटैचमेंट यानी कि जहां से भी हुक को बांध के रखा था ना सॉकेट में वहां से वो टूटा हुआ था यानी टोटो जो है वो उसको तोड़कर भाग गया था एंड माई स्कूल ब्लेजर और नरेटर का जो ब्लेजर था जो हम स्कूल टाइम पे विंटर्स में हमको ब्लेजर मिलते हैं राइट तो वो जो ब्लेजर था नरेटर का विच हैड बीन हैंगिंग गेयर जो वहां पर लटका हुआ था रूम में श्रेड्स और वो कैसा था बिल्कुल पीसेस में श्रेड्स क्या होता है? मशीन होती है अगर आपने कभी देखा हो उसमें अगर आप पेपर डालते हो ना तो वो बिल्कुल ऐसे पीसेस में बाहर आता है तो श्रेड्स का मतलब टुकड़ों में तो यही चीज दिख रही थी उनके ब्लेजर में कि जो उनका स्कूल का ब्लेजर है वो भी कैसा था बिल्कुल फटा हुआ था जगह जगह से बिल्कुल पीसेस जैसे हर जगह से वो क्या हुआ था फटा हुआ था आई वंड वॉट ग्रैंड मदर वुड से बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी ही सीम्ड टोटोस परफॉर्मेंस तो जो नरेटर थे उस वक्त वो सरप्राइज थे और वो सोच रहे थे कि पता नहीं ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होगा कि भाई किसको ले आए टोटो को तुमने बताया क्यों नहीं कैसे भाग गया वो तो वो ये सोच रहे थे बट जो ग्रैंड फादर है वो टेंशन में नहीं थे बल्कि बड़े खुश हो रहे थे वो कि क्या काम किया है क्या कलाकार है यू नो टोटो क्या मस्त परफॉर्मेंस दिए तो वो जो उसने किया था कि वो भाग गया बिल्कुल यू नो वॉलपेपर फाड़ दिया उसने हुक तोड़ दिया जो ब्लेजर है उसको उसने पीसेस में कर दिया तो ये चीजें देख देखकर ग्रैंडफादर बड़े खुश हुए कि टोटो की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है तो यहाँ दो पर्सपेक्टिव्स दिख रहे हैं कि जो बच्चा है जो नरेटर है अब हमें एज नहीं पता इनकी कब क्या कितनी थी तो वो जो है वरीड है ये सोचकर कि ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन होगा बट ग्रैंड फादर ये सोच के खुश हो रहे हैं कि टोटो की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी क्लियर ऑल ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर क्यों खुश हो रहे थे वो क्योंकि उन्होंने बोला कि टोटो जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है स्मार्ट है चालाक है टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू अर रोप एंड मेड हिज एसके ग्रादर क्या बोलते हैं कि अगर हम थोड़ा और वक्त देते ना या फिर वो थोड़ा और बड़ा होता तो वो क्या करता वो जो तुम्हारा ब्लेजर है उसके जो उसने पीसेस किए थे उनकी एक रस्सी बनाता और फिर रस्सी की हेल्प से वो खिड़की से भाग जाता जैसे कि हम टीवी सीरियल्स में नहीं देखते हैं कि लोगों को अगर भागना होता है घर से तो क्या करते हैं चुन्नियों की बिल्कुल रस्सी बनाते हैं साड़ी की रस्सी बनाते हैं फिर उसको ड्रॉप करते हैं फिर वहां से वो भाग जाते हैं तो इस टाइप का एक एक फिल्मी सीन चल रहा है यहाँ पर ग्रैंड फदर के माइंड में कि अगर थोड़ा टाइम देते ना टोटो को तो वो इतना ज्यादा स्मार्ट इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो ब्लेजर्स के पीसेस से एक रस्सी बनाता एक रोप बनाता और उससे फिर वो विंडो से भाग जाता दिस हिज प्रेजेंस इन दाउस इज स्टिल अ सीक्रेट टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट स्वाटर्स वेर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशबली

रहते बहुत सोशबली फ्रेंडली मैनर में एक साथ रहते हैं और वहां उन्होंने टोटो को एक केज में रखा था कौन कौन से और एनिमल्स प्रेजेंट थे वहां पे जैसे एक टोटोइस था कछुआ था अ पेयर ऑफ रैबिट्स दो खरगोश रहते थे वहां पर अ टेम स्क्विरल एक बिल्कुल पालतू सी गिलहरी थी स्क्विरल थी एंड फॉर अ वाइल्ड माई पेट गोट और ये जो नरेटर है इनकी एक पेट गोट थी एक बकरी थी उसको भी कुछ टाइम के लिए वहां पर रखा गया था तो ओवरऑल देख सकते हो कि इनके ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा प्यार है एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव है और इसीलिए वैसे भी बहुत सारे पेट्स को अपने घर में रखते हैं सो देर ही केप्ट द टोटो इन अ केज ऑल्सो क्लियर ऑल राइट बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिस्स कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट पर टोटो क्या करता था भाई ये है बहुत ज्यादा मिस्चीवियस बहुत ज्यादा मस्ती खो रहे हैं। तो ये जो है बाकी के कंपेनियंस यानी जो फ्रेंड्स हैं बाकी के पेट्स हैं, हैं वो टोटोइ हो गए वो रैबिट हो गया गोट हो गई और स्कल हो गए तो इन सब को वो सोने नहीं देता था रात को सो ग्रैंड फादर हुन नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारान डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग तो क्योंकि अब ग्रैंडफादर को ये समझ आ गया था कि टोटो जो है बाकी के एनिमल्स को बाकी के जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको सोने नहीं देता है रात को तो इसीलिए उनको, उनको आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो कुछ पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट के थ्रू आपकी पार्ट ऑफ द सैलरी उसे कहते हैं पेंशन तो यहाँ पर ये जो ग्रैंड फादर है नरेटर के उनको जाना था सहारनपुर वहां पर जाकर उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी तो उन्होंने किया कि वो किसको लेके जाएंगे टोटो को अपने साथ लेके जाएंगे अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट ऑन दैट ट्रिप अब नरेटर बोलते हैं कि अनलकीली मैं ता लकी नहीं था कि मैं जाता खुद भी उनके साथ तो मैं ग्रैंड फादर के साथ नहीं जा पाया ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टर बर्ड बट जो कुछ भी हुआ ट्रिप पे वो सारी चीजें ग्रैंड फादर ने नरेटर को बताई सो दैट ही कुड राइट द स्टोरी फॉर A big black canvas kit bag was provided for Toto. तो so, बहुत बड़ा सा ऐसे तो लेके नहीं जा सकते थे वो राइट हाथ पकड़ के चलो बेटा ट्रिप पे चलते हैं तो so, एक बैग था जिसमें उन्होंने टोटो को रखा था सो दैट वो उस ट्रिप पे उसको लेके जा सके दिस विथ समू बार्ड और उन्होंने क्या किया थोड़ा घास फूस थोड़ा स्ट्रॉ जो है वो नीचे डाल दिया बैग के उसमें उसको रख दिया तो ये एक नया घर बन गया अबॉर्ड मीन अ होम सो दिस बिकेम अ न्यू होम ऑफ टोटो द मंकी क्लियर ऑल राइट वेन द बैग वॉज क्लोज देर वॉज नो एस्केप टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग और जब इस बैग को बंद कर दो यानी कि टोटो को एक बैग में रख दिया है स्ट्रॉ वगैरह नीचे बिछा दिया है तो जब टोटो को उस बैग में रख दिया जाता था और उसको बंद कर दो अगर बैग को तो कोई तरीका नहीं था जिससे टोटो बाहर आ सके बिकॉज ऑब्वियसली वो एक ट्रिप पे जा रहे हैं इतने सारे लोग होंगे और यू you नो know, बहुत टिकट कलेक्टर होंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है ऐसा हो सकता है लोग डर जाए तो इसीलिए उसको प्रॉपरली ऐसे बैग में रखा था कि जिसे बैग को बंद करें तो उसको कोई और रास्ता ना मिले उस बैग से भागने का Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. और टोटो जो है वो किसी भी ओपनिंग से बाहर नहीं आ सकता था और जो बैग है उसका मटेरियल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो टोटो के लिए उसको काट कर बाहर आना भी पॉसिबल नहीं था तो अच्छा एक बिल्कुल गुड मटेरियल का बैग लिया गया था सो दैट टोटो इज नॉट एबल टू एस्केप बिकॉज वो बहुत ज्यादा मिस्चीवियस है बहुत ज्यादा मस्तीखोर है तो पूरी कोशिश करता उससे बाहर आने की बट द्रैंड फादर मेक श्योर दैट ही हैड अ बैग फ्रॉम विच ही कुड नॉट एस्केप His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the एयर बस उसकी जो यू you नो know, कोशिशें रहती थी वो एफर्ट्स जो डालता था कि वो बैग से बाहर आ पाए वो कहाँ तक सीमित थी कि अगर वो सिर्फ बैग में यू नो कोशिश करता था कि वो भागे तो वो थोड़ा प्रेशर लगाता था तो कभी कभी वो बैग जो है वो रोल कर सकता था फ्लोर पे या फिर ओकेजनली कभी कभी वो बिल्कुल हवा में ऐसे डांस कर रहा है तो आप पिक्चराइज करो कि रेलवे स्टेशन पे है ये और ये टोटो बैग के अंदर है कोशिश कर रहा है बाहर आने की तो इस वजह से बैग रोल कर रहा है फ्लोर पे या फिर वो ओकेजनली कभी कभी ऐसे जंप कर रहा है हवा में एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अस क्राउड ऑफ ऑन लुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म अब जो देहरादून का रेलवे प्लेटफॉर्म है क्योंकि वहां से वो जा रहे हैं ना जो ग्रैंडफादर है नरेटर के तो ऐसा लग रहा था कि एक एग्जीबिशन चल रहा हो वहां के लोगों का और क्यूरियस क्राउड यानी वो जानना चाहते हैं हो क्या रहा है जो भी ऑन लुकर्स थे यानी कि जो भी देख रहे थे तो ऐसा लगता था उन लोगों को सॉर्ट ऑफ sort of एक एग्जीबिशन चल रहा है एक कैनवस का बैग है उसमें टोटो को बिठाया है और वैसे रोल कर रहा है बैग खुद खुदी खुदी इनको तो पता नहीं बैग के अंदर क्या है तो बैग ऐसे रोल कर रहा है कभी कभी वैसे हवा में ऐसे डांस कर रहा है तो ये सब चीजें देखकर इस क्राउड को ऐसा लगता था कि सॉर्ट sort ऑफ of उनके लिए एक एग्जीबिशन चल रहा हूँ क्लियर ऑल राइट सो टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिस्सा रेलवे टर्न स्टाइल टोटो सडनली पोग हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अब क्या होता है टोटो को इस बैग में रखा है ना इस यू नो कैनवस बैग में जो कि बहुत स्ट्रॉग है उसको यू नो बाइट करके भी बाहर आना टोटो के लिए पॉसिबल नहीं है बट क्या होता है जब तक सहारनपुर आता है यानी कि जहां पर ग्रांड फादर गए हैं नरेटर के अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए टिल दैट पॉइंट ही वाज देयर इन द बैग दैट इज टोटो वाज देयर इन द बैग नोबडी वाज एबल टू सी और नोबडी वाज एबल टू नो दैट टोटो और अ मंकी इज केप्ट इन द बैग

आपने कभी देखा हो सो यू नो वॉट एक्चुअली आई मेंट बाय टर्न स्टाइल क्लियर तो वो जो है अपनी टिकट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं तभी वो गेट ओपन होगा कि हाँ भाई इसके पास टिकट है कैन गो उसी वक्त क्या होता है टोटो जो है वो अपने बैग से बाहर निकल गए हैं और अपना हेड बाहर पोक कर रहे हैं यानी कि बाहर उनका मुंह है और ये जो है क्या करते हैं जो टिकट कलेक्टर है जो टीसी है जो कि वहां पर प्रेजेंट होते हैं टू चेक द टिकट्स ऑफ द पीपल उनको वो एक व्हाइट ग्रीन देता है टोटो ग्रीन मींस ब्रॉड स्माइल यानी कि इमेजिन करो कि ग्रैंडफादर है उनके पास बैग है उसमें क्या है टोटो है और ये जो है अपनी टिकट जब तक रख रहे हैं या फिर टर्न स्टाइल पे यू नो ही इज प्रोड्यूसिंग द टिकट उस वक्त टीसी खड़े हुए हैं और एकदम से टोटो बैग के बाहर आता है और बहुत ही प्यारी सी स्माइल देता है किसको टीसी को अब ऑब्वियसली मंकी जो है इतनी ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि मंकी जो हर किसी के बैग में होते हैं तो ये टीसी का कुछ रिएक्शन अजीब ही होना चाहिए राइट ही मस्ट बी गेयरिंग अ फ्रेड या फिर वो थोड़े बहुत शॉर्ट हो जाना चाहिए उनको कुछ तो ऐसा रिएक्शन होना चाहिए उनका लेट्स रीड कि जैसे ही टीसी को यू नो ये बाहर निकल के टोटो देखते हैं और एक अच्छी सी स्माइल देते हैं तो क्या रिएक्शन होता है टिकट कलेक्टर का क्लियर ऑल राइट द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स इन नॉइंस ही सेट सर यू हैव अ डॉग विथ यू यू विल हैव टू पे इट

टीसी कि सर आपके पास एक डॉग है और ऐसा रूल है कि आप अगर अपने साथ डॉग को लेकर जा रहे हो तो आपको डॉग के भी पैसे भरने पड़ेंगे उसकी भी टिकट लेनी पड़ेगी तो देखते वो टोटो को है मंकी को है बट बोलते क्या है कि वो क्या है एक डॉग है यानी कि मंकी जो है वो भी एक एनिमल है बट वो शॉर्ट sort ऑफ of उससे डॉग से कंपेयर करे क्योंकि लिस्ट में मंकी तो लिखा नहीं होगा लोग मंकी को लेकर थोड़ा तो ट्रैवल करते हैं तो लिस्ट में क्या है डॉग है और वो यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि मंकी भी एक ह्यूमन तो तो है नहीं तो वो क्या है एक डॉग है कि हमको इसके भी पैसे चाहिए वी देखते ग्रैंड फादर का क्या रिएक्शन है इज ही गोइंग टू पे द मनी और वॉट है बैग इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज्रप्ट अब क्या होता है इन मतलब सक्सेसफुल अटेम्प्ट जब ऐसा हम बोलते हैं ना कोई भी चीज जो है वो वेस्ट हो गई या हमारे सारे एफर्ट्स जो है वो वेस्ट हो गए तो हम बोलते हैं आर ऑल एफर्ट्स वेंट इन मतलब बर्बाद हो जाना वेस्ट हो जाना तो यहाँ पे ग्रैंड फादर जो है बिल्कुल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है उनका यानी कि वो नहीं बचा पाए टोटो को बैक के अंदर ही रही, रही रख पाए हाइड नहीं कर पाए तो इससे क्या होता है उनके अटेम्प्ट फेल हो गए तो वो ग्रैंड क्या करते हैं उसको टोटो को बाहर निकालते हैं बैग से फिर वो एफर्ट्स करते हैं कि वो प्रूफ करें कि भाई ये मंकी है ये डॉग नहीं है टोटो क्या है एक बंदर है वो एक डॉग नहीं है और इवन एज ए क्वाड्रप्ट क्वाड्रप्ट क्या होते हैं एन एनिमल विच हैज फोर फीट और ना ही एक ऐसा एनिमल है जिसके चार पैर हो ठीक है तो अगर डॉग को अगर क्वालिफाई करना है मंकी को एज अ डॉग तो ऑब्वियसली प्रूफ करना पड़ेगा कि वो क्वाड्रिप्ट है या फिर कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके फोर फीट है बट मंकी का तो ऐसा होता नहीं है तो वो जो है यहाँ पर यही प्रूफ कर रहे हैं बट उनकी कोशिश जो है वो वेस्ट हो जाएगी वो वेन यानी कि एफर्ट जो है वो अनसक्सेसफुल होंगे क्योंकि वो ये भी नहीं प्रूफ कर पाएंगे ऑब्वियसली कि मंकी जो है वो डॉग की तरह क्वालिफाई नहीं करता ही इज नॉट अ क्वाडरप्ट और जो टी सी है आई थिंक वो अभी भी यही बोलेंगे हमको पैसे चाहिए क्लियर टोटो वॉज क्लासीफाइड डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड थ्री रुपीज वॉज दर और टोटो जो है वो जो टी सी है वो टोटो को यही बोलते कि नहीं भाई दिस

तो यहां पर ये चीज देखो कि बेचारे खरीदा कितना था ग्रैंड फादर ने पांच रुपए में और अब उसके तीन रुपए लग रहे हैं ट्रैवलिंग के सो दिस इज समथिंग जो समिंग ऑब्वियली ग्रादर के जो हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते टोडो को चुपचाप यू नो छुपा कर सहारनपुर ले जाने में सो दिस इज हाउ यहां पे वर्ड वेन का यूज किया गया है क्लियर ऑल राइट देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिस्स पॉकेट आर पेट टॉयज एंड सेट वॉट मस्ट आई पे फॉर दिसमल्स अब देखो ये जो ग्रैंड फादर है पूरी कोशिश कर रहे हैं ना ये प्रूफ करने की, की ये मंकी टोटो जो है वो मंकी है वो डॉक की तरह क्लासीफाइड नहीं होता बट टी सी ने तो भैया बोल दिया कि नहीं हमें तो पैसे चाहिए जैसे हम डॉक के पैसे चाहते हैं वैसे मंकी के पैसे चाहते हैं बट क्या करते हैं ग्रैंड फादर टू तो गेट हिज ओन बैक यानी कि तो टू टेक रिवेंज यानि तो प्रूफ मैं सही था ये एक ईडियम है तो वो जो है प्रूफ करने के लिए कि भाई मैं जो बोल रहा था वो सही था वो अपने पॉकेट से अपना पेट निकालते हैं। अगर आपने कभी देखा है, जो है और फिर टिकी को दिखाते हैं बोलते हैं बताओ भाई मैं इसके कितने पैसे पे करूं क्योंकि तुम सारे एनिमल्स के लिए ही पैसे मांग रहे हो तो ये भी बता दो मैं इसके पैसे कितने दू तो सॉर्ट ऑफ सरकेस्टिकली वो बोलना चाह रहे थे टीसी को कि भाई ये तो एक छोटा सा कछुआ इसके

और शॉर्ट uh, ऑफ sort of, उसके पैसे लगने चाहिए इस तरीके से वो क्लासीफाई करते हैं एनिमल्स को और टॉटोइ क्या है भाई वो छोटा सा है पेट है वो क्या ही जाएगा चलकर या फिर कितनी ही जगह लेगा वो तो उसके लिए वो क्या बोलते हैं कि नहीं भाई दिस दिस नॉट नॉट एज अ अ डॉग डॉग या इज सो यू यू हैव हैव टू टू पे पे नथिंग नो सिंगल पेनी तो ये जो है बहुत ही कॉमिक सा एक रिएक्शन है यहाँ पर कि टीसी जो है मंकी को कंसिडर करते हैं भाई एक डॉग है पैसे दो तीन रुपए लगते हैं बट टॉटॉयज को देख के क्या बोलते हैं कि नहीं 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 ये एक डॉग नहीं है तो आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं है क्लियर ऑल राइट When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब हमें पता है ना कि इन लोगों ने decide किया था कि जैसे ही grandmother would be in a good mood, ये जो है उन्हें बता देंगे कि हाँ भाई Toto है ये monkey है, जिसे हम अपने घर पर लेकर आएं। तो so फाइनली कुछ टाइम बाद क्या होता है ये ग्रैंड मदर है शी एक्सेप्टेड

द फैमिली डोंकी नाना और वहां पर एक डोंकी भी है जिसका नाम क्या है नाना फैमिली डोंकी यानी कि ये ग्रैंडफादर की फैमिली जैसा ही है क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि वेन वी ऑल्सो कीप अ पेट जैसे अगर आपके पास कोई डॉग हो कोई कैट हो या आपके पास रैट हो माउस हो बहुत सारी चीजें पालते हैं लोग पैरट हो तो आप जो है उसको कुछ टाइम बाद एज अ फैमिली मेंबर कंसिडर करने लगते हो और अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ ऐसा हो जाता है उसकी तबियत ठीक नहीं रहती या यू लूज द पेट तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट छोड़ता है आपके ऊपर द वे यू नो लूजिंग एनी फैमिली मेंबर वुड क्रिएट तो इसी तरीके से यहाँ पर भी नरेटर के ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने इतने सारे एनिमल्स को रखा है बिकॉज ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स तो उनके लिए सारे एनिमल्स क्या हैं फैमिली मेम्बर्स जैसे और वहाँ स्टेबल में भी एक क्या है डोंकी है जिसका नाम रखा गया है नाना और वो भी इनके लिए एक फैमिली मेम्बर जैसा है और ये क्या है एक कंपेनियन है एक फ्रेंड है किसका टोटो तो तो का क्लियर तो स्टेबल में उसको घर दिया गया है और वहां पर नाना नाम का डोंकी रहता है जो कि सॉर्ट ऑफ फ्रेंड है एक कंपेनियन है किसका टोटो तो तो द लिटिल मंकी का क्लियर ऑल राइट On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. अब obviously वो देखना चाहते थे कि भाई में जो है वो खुश है कि नहीं है is he comfortable or not? तो grandfather जो है जब, first night, कि जब पहला दिन होता है Toto का stable में और वो जो है आराम से सो रहा है कि नहीं सो रहा है या फिर वो normally you know रह पा रहा है वहाँ पर कि नहीं तो ये check करने के लिए grandfather जो है visit करते हैं Let's see उनको क्या देखने को मिलता है is Toto comfortable in the stable or not? So, to his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay.

रोप कहां लगी हुई है यही रोप लगी हुई थी डोंकी के फेस पे ये तो हॉर्स है जस्ट टू तो शो कि क्या करते हैं यू नो डोंकी के साथ तो वहां पर वो देखते हैं कि यू नो एक हॉल्टर लगा हुआ है किसके नाना के फेस पे और वो हॉल्टर को बेमतलब पुल कर रहा है यानी कि उसको कोई रीजन नहीं है वो क्या कर रहा है उसको पुल कर रहा है खींच रहा है And trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. और वो जो है अपना फेस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो हे रखा है यानी कि जिनका खाने का सामान है जो घास फूस रखी हुई है उससे बिल्कुल दूर कर रहे हैं फेस को कौन नाना अब क्या हो रहा है ऐसा ये पता नहीं है बट ये देखकर कर भी बहुत सरप्राइज है कि इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है डोंकी दैट इज नाना क्लियर ऑल ग्रांड फादर गेव नाना अलैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्कड बैग ड्रैगिंग टो टो विथ हर तो फाइनली क्या होता है ग्रांड फादर करते क्या है वो जो है उसको हॉन्चेस पे यानी उसके बैक पे जो है एक स्लैप करते हैं यानी कि ऐसे मारते हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इल्ट्रीट कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ़ बताने के लिए कि रुक जाओ। तो वो उसको जैसे ही हिट करते हैं शी है, है। ड्रैगिंग टोटो विद हर और वो टोटो को अपने साथ ड्रैग करने लगती है आगे खेसा, 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 ले जा रही है He had तो ये होता है कि ही हैड यानी टोटो ने क्या किया है फासन ऑन टू हर लॉन्ग विद इन शार्प लिटिल टीथ यानी कि उसके जो टीथ है ना उसके जो दांत हैं उससे उसने उसके जो कान है है यानी कि सॉर्ट sort ऑफ of इस तरीके से रिएक्ट किया है, जिसकी वजह से वो डोंकी जो है बहुत ज्यादा इरीटेटेड फील कर रही है और इस वजह से टोटो और नाना जो है कभी भी दोस्त नहीं बन पाते यानी इस तरीके से रिएक्ट करता है कौन टोटो उसके साथ डोंकी के साथ कि उसको यू नो अपनी टीथ की हेल्प से क्या कर रहा है उसके लॉन्ग ईयरस पे काट रहा है या फिर यू नो उसको प्रॉपर परेशान कर रहा है तो इस वजह से वो दोनों कभी भी दोस्त नहीं बन पाए अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स द लार्ज बोल ऑफ वॉर्म वॉटर गिवन बाय हिम टू गिवन टू हिम बाय द ग्रैंड for फॉर bath बर्थ तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब यू नो थ का समय आता था या फिर सुबह सुबह ठंड का टाइम है तो टोटो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या होती है उसको किस चीज में मजा आता था कि जब ग्रैंड मदर जो है उसको एक पूरा बोल देती थी पूरा बर्तन देती थी जिसमें गर्म पानी होता था तो उसको जो है नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाता था अगर सर्दियों के टाइम पे सुबह सुबह तो उसके लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती थी शॉर्ट ऑफ उसके लिए पार्टी है उसको बड़ा अच्छा लगता था नहाना तो यहाँ पे ये चीज जो

Then gradually step into the bath first one foot, then the other. Yani ki, टोटो तो तो जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट है बहुत क्लेवर है वो क्या करता था बड़े ही चालाकी से पहले तो टेम्परेचर चेक करता था पानी का हम क्या करते हैं जब हम भी गर्म पानी करते हैं यू नो ठंड के टाइम पे तो हम चेक करते हैं ना कि गर्म कितना हुआ है ज्यादा तो नहीं है यानी कम तो नहीं है तो ये मंकी भी वही कर रहा है तो वो भी क्या करता था बड़े ही चालाकी से पहले पानी के टेम्परेचर को चेक करता था कि ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा तो नहीं है और कैसे करता था ये फिर धीरे धीरे यू नो जो भी बोल था उसमें उतरता था पहले वो एक लेग डालेगा फिर दूसरा लेग डालेगा फिर बैठेगा पूरे पानी में ताकि वो अच्छे से नहा सके एज ही हैं। जब नरेटर छोटे थे तो वो भी इसी तरीके से करते थे हमें पता भी हम अंकिस बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं तो वो भी यही चीजें करता था अन ही वॉटर अप टू हिस्स नेक और जब तक उसके नेक तक जो है वो पूरा पानी में नहीं चला जाता था वो इसी तरीके से धीरे धीरे पानी में जाने लगता था वन कंफर्टेबल

और जैसे ही पानी जो है ठंडा हो जाता था उसको समझ आता था कि भैया मजा नहीं आ रहा है वो बाहर आता था जल्दी से और फिर भागता था किचन की तरफ ताकि वहां पर जो किचन फायर है जो भी चूल्हा चल रहा है जो भी फायर है उससे वो अपने आप को ड्राई कर सके क्लियर ऑल राइट If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt, and he would refuse to go on with his bath. अब क्या होता था जब भी उन्होंने इस तरीके से हरकत कर हमें पढ़ के हंसी आ रही है आप देखो आप देख रहे हो कि भाई मंकी है बढ़िया पानी से नहा रहा है अपने को यू नो साबुन से रब कर रहा है सोप ले रहा है तो ये सब चीजें देखकर आपको भी हंसी आएंगी तो इसको भी देखकर बहुत से लोग जो है हंसने लगते थे और इसे देखकर टोटो की फीलिंग बहुत हो जाती थी तो उसको बुरा बुरा लगता था और फिर वो कंटिन्यू ही नहीं करता था बेथिंग यानी किल

है चाय बढ़िया बोल रही है और टोटो के पास कोई काम था नहीं ही वॉज फ्री राइट तो वो क्या करता है जाता है किचन में और उसका मन होता है कि वो लिड उठा के देखे यानी ढक्कन उठा के देखे तो वो लिड जो है वो ओपन करके देखता है फाइंडिंग द वोटर जस्ट फॉर अ ही गॉट इन एंड हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल और उसको जो है पानी परफेक्ट लगता है टेम्परेचर परफेक्ट लगता है उसके नहाने के लिए क्या करता है वो सीधे जाके उसमें बैठ जाता है और क्या हो रहा है भाई पानी बॉयल हो रहा है फायर पे है पानी तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसा कर रहा है जिससे वो अपने आप को अलाइव बॉइल करने वाला है लेट सी नेक्स्ट क्या होता है टल एंड दिस वॉज फाइन फॉर अ वाइल एंटिल द वॉटर बिग्न टू वॉयल और थोड़ी देर के लिए टोटो को बड़ा मजा आ रहा था बहुत वार्म वाटर था बट जैसे ही पानी उबलने लगता है तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है

ग्रांड मदर जो है एंटर करती है किचन में और वो फिर बाहर से ऑलमोस्ट हाफ बॉइल्ड हो चुका था बल चुका था मंकी और अब जो वॉज गोइंग टू गेट कंप्लीटली बॉइल्ड बट बिफोर दैट ग्रांड मदर एंटर फॉर्चुनेटली और उसको बाहर निकालती है, मतलब है? खींच के बाहर निकालती है क्लियर ऑल राइट

था। जैसे कि अगर कभी भी उसको कोई चीज़ मिलती थी तो वो हर एक चीज़ को पीसेस पूरी कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस ले और उसमें एक होल बना दे। At least, थोड़ी तो ड्रेस वो फाड़ी दे तो ये उसका काम था उसको बड़ा मजा आता था ये सब करने में सो दिस प्रूफ हो रहा है धीरे धीरे कि टोटो कितना प्लेफुल कितना मस्तीखोर था One day at lunch time, a large dish of stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो so, एक दिन क्या होता है डाइनिंग टेबल पे पूरी जो है pulao की प्लेट रखी है और Toto क्या कर रहा है वो उसी चावल के साथ खेल रहा है My grandmother ग्रांड and Toto डेंड a plate at her. Obviously खाना रखा हुआ है वो खराब कर रहा है तो ग्रैंड मदर एकदम से जोर से चिल्लाती है Toto पे Toto को गुस्सा आता है वो प्लेट लेता है और ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक देता है

स्पाइट का मतलब है डिजायर टू हर्ट यानी कि क्योंकि ग्रैंड मदर ने उसको चिल्लाया था तो उनको उसको इरिटेट करने के लिए उन्होंने क्या किया उसने वो प्लेट को नीचे फेंक दिया ताकि वो पीसेस में टूट जाए पूरी तरीके से चूर चूर हो गई प्लेट और इस तरीके से वो खुश हो गया ही चैटर्ड वो आवाजें करने लगा खुशी की कि देखो मैंने ये करके दिया क्योंकि तुमने मुझे चिल्लाया था ग्रैंड मदर ने तो मैंने तुम्हारी प्लेट जो है वो तोड़ दी सो दिस इज हाउ इतने ज्यादा मस्ती खोर थे कौन टोटो तो क्लियर ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट दैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट अब इस तरीके की मिस्टिवियस हरकते कर रहा है टोटो प्लेट फेंक दे रहा है प्लेट तोड़ दे रहा है कोई घर में आता है तो उनकी ड्रेस फाट देता है उसमें होल्ड कर देता है तो ही वॉज नॉट अ यू नो मंकी ही वॉज नॉट एन एनिमल जिसको बहुत टाइम तक घर में रख सकते हैं क्योंकि वो अभी तो छोटा है तो ऐसी हरकतें कर रहा है जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा राइट तो इसीलिए इन लोगों को समझ आ गया था कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जिसको घर में बहुत टाइम तक रखा जाए और ये चीज जो है वो ग्रैंड भी समझ चुके थे बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स तो उनके लिए ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था सो ही ऑल्सो रियलाइज की टोटो को घर में ज्यादा टाइम तक रखना जो है सही नहीं है वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट

रुपए में यानी कि वो जो टिकट के पैसे लगे थे ना वो तो निकल गए ओके जस्ट जोकिंग वो जो है तीन रुपए में वापस से टोटो को सेल कर देते हैं यानि पांच रुपए में उन्होंने खरीदा था तीन रुपए में उसको वापस सेल करते हैं डिसीजन so, लेते हैं कि टोटो को जो है वापस कर देना चाहिए क्लियर ऑल राइट तो ये जो चैप्टर है दैट इज द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज एन अम्यूजिंग बहुत मजेदार हंसी मजाक वाली स्टोरी है इंटरेस्टिंग है बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिनको सुनकर हमें हंसी आ जाती है किस तरीके से एक मंकी जो है खुद को नहला रहा है किस तरीके से वो पानी का टेम्परेचर चेक करता है कितना गर्म है कितना ठंडा है राइट ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला है वो वो इंसिडेंट देन वो पेट फेंक के मार देता है जला जाता है विंडो से कूद ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली बहुत एंटरटेनिंग है और हमें हंसी आती है पर ये जो मैसेज जो कन्वे किया ना रस्किन बॉन्ड की यही एक बहुत अच्छी खासियत है कि वो इतने अच्छे राइटर हैं कि वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू एक अच्छा मैसेज भी दे देते हैं और आप बोर भी नहीं होते हो, आपको इतनी अच्छी लगती है उनकी स्टोरीज क्लियर तो वही एक चीज है ये क्या है एक अम्यूजिंग स्टोरी है रिटर्न बाय रस्किन बॉन्ड राइटर ग्रैंड फादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल बहुत सारे एनिमल्स रहते हो ठीक है तो राइटर के जो ग्रैंड फादर है या फिर जो नरेटर है उनके जो ग्रैंड फादर है यहां नरेटर कहें तो ज्यादा बेहतर होगा तो नरेटर्स ग्रैंड फादर जो है वो बहुत ज्यादा एनिमल्स के लिए फॉन्ड है यानी लवस एनिमल्स और इसीलिए उन्होंने बहुत से एनिमल्स को प्राइवेटली घर पे भी रखा हुआ है सर्वेंट्स में जैसे गोट हो, हो गए तो ये जो है, उनको बहुत ऑलरेडीज तो so so एक दिन क्या होता है वो एक टोंगा ड्राइवर से जो घोड़ा गाड़ी होती है हॉर्स कार्ट होता है उसके ड्राइवर से एक बेबी मंकी को लेते हैं खरीदते हैं कितने रुपए के लिए पांच रुपए के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था उस वक्त ठीक है सो फाइव रुपीज के लिए वो इस मंकी को खरीदते हैं

टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी हिस्स ब्राइट आई स्पार्कल्ड विद चीफ बीनीथ डीप सेट आई उसका अपीयरेंस बताया है कि कितना क्यूट कितना प्रिटी मंकी था ये और वो अपीयरेंस पढ़े, इसके पहले यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि बेबी मंकी को खरीद लेते हैं ग्रैंड फादर क्योंकि वो ये देखते हैं कि इस हॉर्स कार ड्राइवर ने जो खाने का ट्रफ या फीडिंग ट्रफ होता है उससे इस मंकी को बांध के रखा था तो ग्रैंड फादर को लगता है कि मंकी जो है वो आउट ऑफ प्लेस लग रहा है इट इज नॉट मेन टू बी टाइड लाइक दिस टू दिस फीडिंग ट्रफ

यानी उसके चेहरे पे दिख जाता है कि ये कितना ज्यादा प्लेफुल कितना ज्यादा प्ले मंकी है एंड टीथ वर पर्ली व्हाइट और उसके जो दांत हैं बिल्कुल वाइट हैं जैसे कि पर्ल्स होते हैं मोती होते हैं उतने व्हाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल और ज्यादातर जो है वो ऐसे स्माइल करता था जिसमें उसके पूरे दांत दिखते थे और वो स्माइल देखकर दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज तो जो एंग्लो इंडियन लेडीज यानी जो ब्रिटेन और इंडियन दोनों को बिलोंग करती है

गर्ल यहां अचार को धूप में सुखाने के लिए रखती ताकि वो अच्छे से बने तो ड्राई हो जाता है बहुत अच्छे से फिर वो बन जाते हैं उसी तरीके से ऐसा लगता है कि इसके जो हाथ है उसको अचार की तरह धूप में बहुत सालों तक रखा गया हो इसीलिए इतने ड्राई हो गए सो दिस इज हाउ हिज हैंड्स लुक्ड लाइक क्लियर तो ये पूरा अपीयरेंस हमें बताया गया है कि कैसे प्रीटी दिखते थे कौन टोटो तो 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 द लिटिल पेट मंकी क्लियर ऑलराइट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वुड गेट एंग्री एवरी टाइम हिज ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग होम अ न्यू पेट

As such, the author and grandfather decide to tell grandmother about Toto only when she is in a particularly good mood. और ये लोग decide करते हैं कि जब grandmother जो है बहुत अच्छे mood में होंगी तभी वो बताएंगे कि भाई वो Toto नाम के monkey को घर पर ले आए हैं They hide Toto in a small closet in the author's bedroom wall, tied to a peg on the wall, and after a few hours, the author and grandfather return to release

और ग्रैंड फादर जो है बड़े खुश होते हैं इस चीज को देखकर क्योंकि उनको ये जो परफॉर्मेंस थी टोटो की बड़ी अच्छी लगती है कि वाह क्या, क्या क्लेवर मंकी है और कितनी समझदारी से वो जो है भाग गया है क्लियर ऑल राइट

तो वैसे ही यहां पर एक बिल्कुल जोकिंगली वर्ड बोला गया है कि ग्रैंड फादर का मानना था कि अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता टोटो को तो वो क्या करता ब्लेजर के पीसेस को जोड़कर एक रस्सी बनाता और फिर उससे भाग जाता यानी इतना क्लेवर था कौन टोटो

ग्रैंड to 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 -to फादर को देहरादून छोड़कर सहारनपुर जाना था थोड़े दिनों के लिए क्योंकि उनको वहां से पेंशन कलेक्ट करनी थी अपनी तो वो जो है एक ऐसे इंसान थे या फिर अकेले ऐसे इंसान थे जो की टोटो को हैंडल कर सकते थे तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को अपने साथ लेकर जाएंगे कहा सहारनपुर

जाते हैं और एक दो स्टेप पीछे ले लेते हैं हीस टेकन अबैक क्लियर ऑल राइट द टिकट कलेक्टर वॉज अ लिटिल फ्राइटेड

तो ऐसे ही लिस्ट में मेंशन होगा कि भाई इतना इतना फेयर लगेगा टिकट लेनी पड़ेगी किसके लिए एक एनिमल के लिए स्पेसिफिकली डॉग के लिए तो वो मंकी को कंसिडर करते हैं एक डॉग और वो बोलते हैं भाई तुम एक डॉग कैरी कर रहे हो सो यू नीड टू पे द टिकट फेर ग्रैंडफादर फादर टोटो आउट ऑफ द बैग टू प्रूव दैट ही मंकी एंड नॉट अ डॉग बट द टिकट कलेक्टर डिस्मिस्ड हिम एंड इन द्रैंडादर एज टोटोजेयर तो टो तो, क्या करते हैं ग्रांड फादर वो बैक से टोटो को निकालते हैं और प्रूव करते हैं भाई देखो ये मंकी है ये डॉग नहीं है बट क्योंकि जो टीसी है उन्होंने तो ठान लिया था कि इसको हम डॉग की कैटेगरी में ही रखेंगे यानी कि फेयर तो कलेक्ट करना ही करना है तो वो बोलते हैं कि नहीं इट इज अ डॉग एंड यू नीड टू पे थ्री रुपीज एज अ फेयर तो ग्रांड फादर फाइनली क्या करते हैं भाई वो टोटो के लिए तीन रुपए की टिकट खरीदते हैं यानी तीन रुपए एज अ फेयर पे करते हैं

फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर अब देखो ये इंसिडेंट जो है वो नरेटर को उनके ग्रैंड फादर ने बताया था ट्रेन वाला क्योंकि नरेटर नहीं जा पाए थे किसी रीजन की वजह से ट्रिप पर तो ग्रैंड फादर आके उनको ये सब चीजें बताते हैं अब धीरे धीरे जो है टाइम लगा बट ग्रैंड मदर जो है वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है टोटो को क्लियर सूर आफ्टर दैट ग्रैंड फादर शिफ्टेड हिम टू अम्फर्टेबल प्लेस इन द स्टेबल अलॉन्ग विदिल डॉकी नाना

Toto created a lot of nuisance wherever he went. He enjoyed taking hot water baths during winter. तो so, टोटो कहीं पर भी जाता था ना तो हमेशा मिस्चीव करता था जैसे कोई भी इनके घर में लेडी आती थी तो उनकी ड्रेस को फाड़ देता था होल कर देता था उसमें बहुत मजा आता था ये चीज करने में चीजें तोड़ता फोड़ता था मस्ती करता था तो वो कभी भी शांति से नहीं बैठा क्योंकि ये होता ही है मंकीज का कैरेक्टर दे ऑलवेज डू दिस मिस्चीवियस थिंग्स नाउ ही इंजॉय टेकिंग हॉट वटर बाथ ड्यूरिंग विंटर तो जब विंटर्स आते थे ना तो मॉर्निंग में कोल्ड विंटर मॉर्निंग्स में सबसे अच्छी चीज एक ट्रीट होती थी किसके लिए टोटो के लिए और वो क्या थी कि जब ग्रैंड मदर उसको गरम गरम पानी देती थी जिसमें वो नहा सकता है सो ही जस्ट लव्ड बेथिंग इन वॉर्म वाटर एंड दैट वॉज समथिंग विच वज ट्रीट फॉर हिम विच वॉज हेपी थिंग फॉर हम

जो भी बोल था उसमें फिर सेकंड फूड फिर नेक तक जो है धीरे धीरे जाता था पानी में और एंजॉय करता था और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था वो किचन में जाता था और अपने आप को ड्राई करने की कोशिश करता था जो भी फायर जल रही थी उसके सामने क्लियर

केटल क्लियर केटल में क्या होता है ऑब्वियसली जब वो बॉयल हो रहा है तो बिगनिंग में तो पानी अच्छा लगता है कि इसको टोटो को बहुत हुआ, पर धीरे वो बहुत ज्यादा बॉयल होने लगता है तो टोटो जम्स आउट वो बाहर आ जाता है बट ही बाहर आता है तो उसको बाहर उसको ठंड लगने लगती तो है तो वापस पानी में चला जाता है तो ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर हॉप करते रहते हैं कॉन टोटो बट वॉट हैपन्स सडनली ग्रैंड मदर फॉर्चुनेटली शी एंटर्स ऑन द राइट टाइम एंड शी क्विकली रेस्क्यू एंड सेव फ्रॉम गेटिंग बर्ंट और फिर फाइनली वो उसको बाहर निकाल लेती है बोल से उस केटल से और वो जो है बॉयल होते होते बच जाता है

टोटो लव्स टिंग थिंग्स टू श्रेड सबसे बड़ी चीज जो उसको पसंद थी वो क्या थी कि उसको चीजों को फाड़ना पीसेस में कर देना बहुत ज्यादा पसंद था वैन एवर अ पर्टिकुलर आंट ऑफ आथर्स अप्रोचेस टोटो ही ट्राइज टू टीयर अ होल इन टू हर ड्रेस तो वही कोशिश करते थे कभी भी कोई आंट आ जाती थी नरेटर के घर पे, तो उनकी ड्रेस को वो इतना खींचते थे कि उसमें एक होल हो जाए गड्ढा हो जाए मेक श्योर दैट One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब एक बार की बात है ये incident हुआ था जब dining table पे pulao जो है वो रखा हुआ था Pulao क्या होता है जो rice बनता है हमारे यहाँ पे vegetables वगैरह डलकर सबको पता है right? तो वो पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पे अब टोटो क्या कर रहे थे वो उसके साथ खेल रहे थे वो राइस के साथ खेल रहे थे तो खाना खराब हो रहा था क्लियर सो वेन द फैमिली रीच तो इससे क्या होगा ना सब लोगों का खाना वेस्ट हो जाएगा बाकियों के लिए भी बनाया था वो खाना तो ये देखकर राइटर्स ग्रैंड मदर स्क्रीम एट टोटो तो ग्रैंड मदर जो है चिल्ला देती है टोटो पे अब टोटो को बुरा लग जाता है कि भाई मेरे को चिल्ला कैसे दिया तो टोटो क्या करते हैं इन रिस्पॉन्स थ्रू अ प्लेट एट हर वो पूरी प्लेट पुलाव वाली उठा के किसके ऊपर फेंक देते हैं ग्रैंड मदर के ऊपर यानी कि वो इतना ज्यादा हॉट

आफ्टरनून और वहां फ्रूट ट्री है कटहल का पेड़ है तो वहां पर वो ब्रांच पे बैठ के पूरे आफ्टरनून पूरा चावल खाता है, sure एक एक है खत्म करे क्लियर ही सैट ऑन अच ऑफ जैक फ्रूट tree, determined to eat all the rice.

इज कर लेते हैं दो वन जिनको सबसे ज्यादा प्यार था एनिमल से और उनको यह रियलाइज करना सबसे ज्यादा जरूरी था राइट ही वुड टेक द डिसीजन टू की वो भी समझ जाते हैं कि नहीं टोटो एक ऐसा एनिमल नहीं है जिसे घर पर जो है रख सके इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मैनेज एस हिज मिनास इनक्रीज बाय द डे क्योंकि उसकी जो हरकते हैं जो न्यूसेंस है वो हर दिन बढ़ती जा रही थी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था टोटो को घर पर रखना टोटो कॉज मच लॉस टू द फैमिली और ये भी था वेल टू डू नहीं थे टियर कर, कर, दे कर देता था तो इसकी वजह से नुकसान हो रहा था और डेली डेली ये सब चीजों को यू you नो know, वापस से सही करना पॉसिबल नहीं था नई डिशेज नए क्लोथ रोज खरीदना पॉसिबल नहीं था द फैमिल कु नॉट बेयर दिस सो ग्रैंड फादर सोल्ड टोटो बैक टू दूसरे ड्राइवर फॉर ओनली थ्री रुपीज और इसीलिए स्टोरी एंड एंड जस्ट टेल्स यू की वाइल्ड एनिमल एट होम लाइक दिस बिल्कुल ओपनली बिकॉज इट समलीव करना उसकी हैबिट में था सो इट इज समथिंग दैट एवरीबडी के नॉट टेक केयर ऑफ राइट अगर वो फिर भी पैसे वाले भी होते रिच भी होते तो शायद एक बार ये लोग ये सब चीजें बेयर कर लेते बट इफ दे वर नॉट यू नो रेडी फॉर इट इफ दे वर नॉट मेंट फॉर इट दे कु नॉट डू इट एंड दैट्स वैट दे टेक अ डिसीजन टू सेंड टोटो बैक टू दैट सेम टोंगा ड्राइवर क्लियर ऑल राइट इट सेज हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू तो हमें पता है ना कि ये जो ग्रैंड फादर है नरेटर के ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स बर्ड एंड दैट्स वाई उन्होंने सर्वन क्वार्टर में जो है कुछ एनिमल्स रखे हुए थे तो कैसे टोटो यानी कि ये जो बेबी मंकी है ये जो पेट मंकी है वो कैसे इनके जू में एंटर होता है हाउ डज इट बिकम्स दू द ग्रुप वो पूछा गया तो हमें पता है कि टोटो जो है वो एक टोंगा कार ड्राइवर जो है यानी कि जो हॉर्स कार ड्राइवर है उनके पास था और ये जो है टोटो को फीडिंग ट्रफ से जो है खाने का जो बर्तन होता है उससे बांध के रखते थे तो जब ग्रैंड फादर ने ये नोटिस किया कि टोटो को इस तरीके से बांध के रखा गया है तो उनको लगता था कि टोटो जो है वो क्या है आउट ऑफ प्लेस है यानी कि वो फिट नहीं हो रहा है सिनारियो में उसे इस तरीके से बांध के रखना इज नॉट समथिंग जो कि उसको सूट कर रहा है तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि इसको जो है वो अपने प्राइवेट जू में रखेंगे सो ही फाइनली टेक्स अ डिसीजन टू बाय इट और वो जो है टोटो को खरीदते हैं कितने रुपए के लिए पांच रुपए के लिए और इस तरीके से फिर वो अपने जू में उसको रखते हैं क्लियर सो so, टोटो वॉज ओन्ड बाय अ टोंगा ड्राइवर नंबर वन जो हॉर्स का ड्राइवर है टोंगा ड्राइवर है उसके पास था कौन टोटो वन डे ग्रांड फादर सॉ दिस बेबी मंकी विथ अ टोंगा ड्राइवर और वो इसी तरीके से ग्रैंडफादर फादर जो है उसको एक दिन देखते हैं कि ये जो बेबी मंकी है टोटो जो है वो इनके पास है

जो है अपने पास रखेंगे और वो पांच रुपए के लिए टोटो को खरीदते हैं क्लियर ऑलरेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी तो टोटो जो है वो एक प्रिटी मंकी है क्यूट लुकिंग मंकी है कैसे प्रिटी है वो वो पूरा अपियरेंस आपको एनसीआर से ही बताना है कुछ भी बड़ी बात नहीं है ठीक है तो यहाँ पे ये बताया गया है कि टोटो बहुत प्रिटी मंकी है और उसकी आईज जो है, बहुत है और जो उसकी, मिस्टीव है, उसकी के पीछे बिल्कुल दिखती है कि हाँ, इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा मस्ती है दूसरी बात उसकी जो टीथ है वो बहुत पर्ली व्हाइट है और अगर कभी कभी वो हंसता है तो वहां की एंग्लो इंडियन लेडीज जो है वो डर जाती थी उसकी हंसी को देखकर ऑल्सो उसके जो हाथ है वो कैसे है ड्राइड है ऐसा

So this is how he is pretty. Clear? So Toto had bright eyes with mischief beneath deep set eyebrows. तो so, वो जो है सबसे पहले उसकी आंखों की बात की गई है और जो mischief जो उसके eyebrows के बिल्कुल पीछे दिखती है उसके चेहरे पे कि उसके eyebrows देखकर कोई भी बोल सकता है कि he is very mischievous monkey. पर्ली वाइट टीथ दैट ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डोली एंग्लो इंडियन लेडीज फिर नेक्स्ट बताया गया है कि उसकी जो पर्ली व्हाइट टीथ है यानी इतने व्हाइट है जैसे कि मोती होते हैं पर्ल्स होते हैं वाइट वो जो है कभी कभी हंसता है जब तो वहां की जो लेडीज है वो डर जाती थी उसकी स्माइल को देखकर

तो उसके जो हाथ के रीत से बहुत दूर हैं चीजें उन्हें भी वो टेल की हेल्प से पकड़ लेता था इस तरीके से उसकी जो टेल है उसका थर्ड हैंड की तरह काम करती थी और ये सारी क्वालिटीज हैं जो ओवरऑल प्रूव करती हैं कि टोटो क्यों एक प्रिटी मंकी था क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई ड्रैंड फादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ वाई टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो डॉग तो ऐसा होता है कि टोटो को जब वो सर्वेंट क्वार्टर में रखते हैं तो वो बाकी के एनिमल्स को सोने नहीं देता तो इसीलिए दे तो वहां से और टोटो को हैंडल करना वॉज नॉट समथिंग जो कि नरेटर अकेले कर पाते हैं और कोई कर पाता तो इसीलिए ग्रैंड फादर डिसीजन लेते हैं कैनवस बैग बनवाते हैं जो की बहुत स्ट्रॉग मटीरियल का होता है और उसको टोटो को रखते हैं बैग के अंदर उसे इस तरीके से बंद करते हैं

देख प्राइवेट जू क्यों बोला है नॉर्मली जू क्या होता है पब्लिक यानी कि लोग आके

The monkey could not be charged as a human being, so ticket collector decided to categorize it as a dog and charge accordingly. क्योंकि वो monkey को human being नहीं बोल सकते थे और कौन सा आने वाले जो बहुत normally लेके जाया जाता है अगर traveling वगैरह करते हैं तो वो dog है तो ये जो है उसको dog की तरह treat करते हैं ticket collector कि भाई ये dog की category में आता है इसीलिए आपको इसके पैसे पे करने पड़ेंगे Clear? All right. Next question क्वेश्चन इज हाउ Toto टेक अ बाथ Where हैज ही लर्न टू डू दिस हाउ does टोटो ऑलमोस्ट बॉइल हिमसेल्फ alive? तो नंबर वन जो पार्ट है उसका क्या है कि टोटो को सबसे ज्यादा क्या पसंद आता था What was द ट्रीट फॉर हिम इन विंटर अर्ली विंटर mornings? वो था गर्म पानी में नहाना तो टोटो ने नरेटर को देखा है नरेटर से वो सीखे हैं जो कि second पार्ट का आंसर है कि कैसे नरेटर जो है वो पानी को चेक करते थे temperature को कितना गर्म है फिर वो एक फुट डालेंगे दूसरा फुट डालेंगे नेक तक बैठेंगे फिर सोप को लेंगे रब करेंगे तो ये सब चीजें

और उस पर लिड लगा हुआ था और ढक्कन लगा हुआ था अब टोटो को कोई काम तो था नहीं तो वो घर में घूमता रहता था ऐसे घूमते घूमते वो किचन में पहुंच गया जैसे वो किचन में जाता है उसको दिखता है कि केटल जो है वो बॉयल हो रहा है तो उसको ऐसा दिखता है सॉर्ट sort ऑफ of, जैसे एक खोल के देखू तो वो लिड को ओपन करता है तो उसको पानी उबलता हुआ दिखता है एंड ही जस्ट लव टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर तो उसको लगता है ये पानी नहाने के लिए बेस्ट है तो वो चेक करता है उसको परफेक्ट लगता है टेम्परेचर तो वो उसमें बैठ जाता है जैसे ही वो उसमें बैठता है तो बिगिनिंग में तो भाई बहुत सही रहता है टेम्परेचर बट बाद में क्या होता है क्योंकि बॉइल हो रहा है पानी तो बहुत ज्यादा गर्म लगने लगता है किसको टोटो को कि इतना गर्म पानी है तो वो बाहर आता है बाहर आता है तो उसको ठंड लगती है तो फिर अंदर चला जाता है पानी में फाइनली ग्रैंड मदर जो है वो राइट right टाइम पे पहुंचती है और फिर वो टोटो को बाहर निकालती है यानी वो ऑलमोस्ट हाफ बॉयल तो हो ही चुका था कंप्लीटली बॉयल होने वाला था बट उसके पहले ही ग्रैंड मदर उसको बचा लेती है सो दिस इज द इंसिडेंट क्लियर ऑल राइट चलिए रीड करते हैं इसका आंसर

टोटो और द मंकी फ्रॉम द केटल क्लियर सो दिस इज हाउ ये तीनों पार्ट्स के आंसर देने फर्स्ट पार्ट कैसे वो नहाते थे सेकंड पार्ट टोटो ने किससे सीखा है तो टोटो हैड लर्न लिख सकते हो या फिर टोटो लर्न लिख सकते हो क्लियर टोटो हैड लर्न या टोटो दिस फ्रॉम द नरेटर क्लियर और थर्ड पार्ट था कि जो इंसिडेंट है जैसे वो ऑलमोस्ट अपने आप को हाफ बॉइल कर चुके थे दैट इज द इंसिडेंट जो यहां पर बताया गया है क्लियर ऑल राइट Next question is, why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? तो फाइनली क्या होता है टोटो की मिस्टीवियस हरकतें जो है हरकते जाती हैं वो चीजों को फेंकते हैं कोई भी घर पर आंटी आती थी तो उनकी ड्रेस में होल कर देते थे उनको बहुत मजा आता था चीजों को फाड़ के फेंकने में प्लेट उन्होंने फेंक फेंक के के दी थी ग्रैंड मदर ऊपर क्योंकि उन्होंने चिल्ला दिया था फिर वो प्लेट लेके भाग गए पूरा खाना खा लिया फिर उसको तोड़ दिया तो इस तरीके से उसकी मिसचीज बढ़ती जा रही थी इट वॉस काइंड ऑफ समथिंग जो कि ट्रबल बढ़ रहा था और ऐसे पेट को घर पर रखना पॉसिबल नहीं था नंबर टू ये लोग बहुत ही नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करते थे वेल टू डू नहीं थे तो रोज ये जो खर्चे बढ़ रहे थे उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि रोज रोज खरीद रहे 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 हैं हैं ला ला वॉल पेपर्स लगवा रहे हैं, लग हैं। तो इसीलिए उन्होंने किया कि को वापस भेज देना चाहिए एंड फाइनली ग्रांड फादर ऑल्सो रियलाइज टोटो टू दैट सेम टोंगा ड्राइवर फॉर थ्री रूपीज क्लियर सो टोटो वॉज अ वेरी वुड टीयर थिंग्स इन टू पीसिस वेन कम नियर टीयर होल इन ड्रेस

He threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into टू हंड्रेड पीसेस और जब वो प्लेट जो है कम से कम हंड्रेड पीस बीच सौ पीसेज में हो जाती है तो वो चीज देखकर वो बहुत खुश होने लगते हैं हंसने लगते हैं ये दिखाने के लिए देखो तुमने मुझे चिल्लाया था मैंने तुम्हारी प्लेट तोड़ दी ऑर्थर्स फैमिली वॉज नॉट अ वेल टू डू वन दे कु नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लोथ करज वाई दोटो वॉज नॉट दैट मी कुकी मिस्चीवियस हरकतें बढ़ रही You can add this की because

देख चुके हैं कि वट एग्जैक्टली exactly ये चैप्टर आपको समझाता है एंड देन यू कैन डेफिनेटली राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर ऑल राइट चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून बट बिफोर दैट इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट एनी वीडियो रिगार्डिंग एनी क्लास देन डेफिनेटली यू कैन गो एंड विजिट मैग्नेट रेंज बिकॉज वहां आपको क्लास फोर्थ से ट्वेल्थ तक की फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है सो इफ यू हैव एनी डाउट गो एंड विजिट द रिस्पेक्टिव टॉपिक वीडियो एंड फॉर फ्री क्लियर योर डाउट चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इस टॉपिक की जो नोट्स की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय